हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति शर्मा और मैंने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है और मैं एक PHMS स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको मेडिसिंस के बारे में बताऊँगी, होम्योपैथिक मेडिसिंस, जो भी किसी को भी आजकल इतना हम तेल की चीज़ें खा रहे हैं, इतना हम तला भुना खा रहे हैं, तो हमें पेट की बहुत दिक्कतें होती हैं। जो मैं आज आपको मेडिसिन बता रही हूँ, ये पेट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसका नाम है एलोए सोकोट्रीना। ओके, तो ये हम किसको देते हैं? किसी के भी अगर सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्यों, अगर उसने रात भर अच्छे से लैट्रिन साफ़ नहीं करी है, अच्छे से लैट्रिन उसकी साफ़ नहीं हुई है, या उसकी सेडेंटरी लाइफ है। सेडेंटरी लाइफ का मतलब होता है कि अगर वो दिन भर कुछ एक्सरसाइज नहीं करता, घर पे पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता है और बहुत ज़्यादा तेल भुनी चीज़ें, जो आजकल जंक फूड है, वो चीज़ें खा रहा है, तो तब अगर उसके सर में दर्द है तो एलोए सोकोट्रीना 30 बहुत अच्छा काम करेगी। उसको ऐसा लगेगा जैसे उसके, मतलब उसका सर बहुत भारी हो गया है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा भारी हों, उसको बंद करने में, आंखों को क्लोज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और उसको हेडेक कहाँ होगा? उसके सर में दर्द होगा माथे पे, फोरहेड पे उसके ज़्यादा दर्द होगा। और उसका दर्द वो बढ़ता कब है? वो दर्द तब बढ़ता, वो जरा सा भी चल ले ना, तब उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है सर में, या कोई गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और उसको आराम मिलता है ठंड से, अगर वो कुछ भी ठंडी चीज़ अपने सर पे लगाए तो उसको आराम मिलता है। अब दूसरी चीज़ आती है, ये हो गया सर का दर्द। अब दूसरी चीज़ आती है, अगर किसी का बार बार उसको लैट्रिन आ रही है, अगर कोई खाने या पीने के बाद उसने रात को खाया होगा, सुबह उठते ही अचानक से उसको एकदम से लैट्रिन आती है, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। एकदम से जैसे वो उठेगा सुबह बेड से और वो लैट्रिन करने जाएगा, और उसकी लैट्रिन कैसी होगी? पानी जैसी पीली और जेली लाइक और बहुत ज़्यादा दर्द वाली होगी। जब वो अपना लैट्रिन करने से पहले उसका पेट में कैसा होगा? पूरा गैस से भर जाएगा और पेट में बिल्कुल टाइटनेस, रंबलिंग एंड ग्रंबलिंग साउंड होगी, ठीक है, मतलब उसका पेट गड़गड़ करेगा। और जब वो लैट्रिन पास करता है तो उसको क्या होगा? बहुत तीखा पेन होगा और उसको ऐसा लगेगा कि उसने गैस पास करते उसका, उसकी लैट्रिन भी पास हो गई है, और उसका जो गैस होती है बहुत बदबूदार होती है। और ये बात ध्यान रखिए, अगर किसी को लैट्रिन के आते द्वारा अगर उसको भूख लगती है तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर आपको पेट में दर्द है, अगर आपका गैस फूल है, आपको लेकिन आपको लैट्रिन करने के पास बिल्कुल आराम मिल जाता है और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, तो ये बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को सर में दर्द है खाना खाने के बाद, या उसने रात भर कुछ भी खाया था या पिया था, उसको सुबह उठते लैट्रिन आते और लैट्रिन करते उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और उसको गैस पास करता है बहुत गंदी, और उसको भूख भी लगती है लैट्रिन पास करते हुए, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन लैट्रिन पास करते ही उसके सारे दर्द चले जाते हैं, तो ये बेस्ट मेडिसिन है। फिर आते हैं हम, अगर किसी को बहुत ही हार्ड लैट्रिन आती है, बहुत ही हार्ड पुट्टी आती है किसी को, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को बवासीर है, बवासीर उसकी वजह से, जो भी हम हाईली स्पाइसी फूड खाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनकी सेडेंटरी लाइफ होती है, तो अगर उसको बवासीर है जिसमें से खून निकलने वाली, जैसे बवासीर कैसी होगी, जैसे गुच्छे होते हैं अंगूर के, जैसे गुच्छे हों नीले कलर के, अगर उसको बवासीर है तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, मतलब कि पाइल्स, अगर किसी को पाइल है मतलब कि बवासीर, उसको हिंदी में बवासीर बोलते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा खाज वगैरह आती है एनस पे और बहुत ज़्यादा जलन होती है उस जहाँ पे उसकी बवासीर है एनस पे, तो बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और उसको एग्रेवेशन किसकी वजह से, उसको मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो गर्म, जैसे कुछ गर्म खा लेगा या गर्म में तब, अगर वो ठंडा वहाँ पे कुछ अप्लाई करे, अगर उसको आराम मिल रहा है, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को चलने में, खड़े होने में, खाने पीने के बाद या सुबह उठते ही किसी को दिक्कतें हैं और उसको हर चीज़ ठंडी और लैट्रिन वगैरह पास करके अगर किसी को आराम मिलता है, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो
आप ये ध्यान रखिए, अगर आपको बवासीर है, अगर उसमें से खून निकल रहा है, या वो ग्रेप्स भी मतलब अंगूर के गुच्छे की तरह नीले कलर की है और उसके द्वारा आपको कांस्टेंट पेन हो रहा है, कांस्टेंट बियरिंग पेन मतलब लगातार आपको पेन हो रहा है और बर्निंग इन एनस मतलब कि जलन हो रही है, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्लीज़ अप्रिशिएट करिए। मैंने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है, प्लीज़ थैंक यू।